आज ये काफी अहम दिन है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, उगाड़ी, चैत्र नवरात्रा, ये सब है और इन सब के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से आप लोग सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इन सारे फेस्टिविटीज के उपलक्ष्य पे कुछ पिक्स लेके आया हूँ और उसको मैंने न्यू फाइनेंशियल ईयर पिक्स ही दिए है नाम। और पहली पिक है एक्सेलिया सॉल्यूशन, जिसका पुराना नाम एक्सेलिया काले हुआ करता था, एक बेहतरीन क्वालिटी सॉफ्टवेयर कंपनी है और ग्लोबल एयरलाइन एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाती है, SAAS की मतलब जिसको SaaS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सब मुहैया करवाती है और बहुत बढ़िया ऑपरेशंस अक्रॉस द ग्लोब करती है और 11 कंट्रीज में इनके फुटप्रिंट्स है और बहुत सारी डिटेल्स है। बट फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो 5.5% का डिविडेंड यील्ड है स्टॉक का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 18% और पिछले 2 सालों में लाजमी है कि ग्रोथ काफी अफेक्टेड रही है, पर्टिकुलरली एयरलाइन इंडस्ट्री की। बट अब जिस तरीके से ओपनिंग अप हो रहा है और फॉरेन ट्रैवल शुरू हो रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा और दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 का बहुत बढ़िया रिजल्ट था, 11 करोड़ के सामने 17 करोड़ का पैट। और मैं ये भी देख रहा था प्रोमोटर्स की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो 75% शेयर होल्डिंग है जो कि एक्सेलिया होल्डिंग्स वर्ल्ड SL उनकी है 75%, 74.66 टू बी प्रेसाइज, और FIIs DIIs की मिला के 2.5% है। और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी अगर सिंगल शेयर होल्डर्स की अगर देखें आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की लिस्ट में तो वहां पे कुछ अच्छे नाम आ रहे हैं जिसकी वजह से और कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से आने वाले महीनों में 3 से 6 महीने का टारगेट है 1130 रुपए का। दूसरा स्टॉक है एक फार्मा स्टॉक, अगेन एक बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, कोप्राम लिमिटेड, जिसके भी फंडामेंटल्स बहुत अट्रैक्टिव है और काफी सारे ये APIs और इन सब में है, फार्मा स्टॉक है और करीब एक्सपोर्ट से करीब 65% सेल्स आती है। और जिस तरीके से देखिए करेंसी अभी डीवैल्यू हुई है या मजबूत डॉलर हुआ है तो उसका बेनिफिट इस स्टॉक को भी मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए। फंडामेंटल्स को देखता हूं तो बहुत ही अट्रैक्टिव फंडामेंटल्स है, ऑलमोस्ट मतलब अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 31%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 29% और ग्रोथ पिछले अगर 3 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 44% की ग्रोथ है और ऊपर के लेवल्स 370 के दिखाए हुए हैं और उसके सामने आज अब करेक्टेड लेवल्स पे मिल रहा है जो कि 289 है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जाना चाहिए और आराम से 350 तक के टारगेट्स के लिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। और लास्ट स्टॉक जो है वो है सियाराम सिल्क मिल्स, अगेन अ क्वालिटी स्टॉक, मतलब मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है स्टॉक की जो पोदार ग्रुप है, जिस ग्रुप की बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, तो ऑलरेडी गजब का परफॉर्मेंस उस ग्रुप का रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत सस्ते हैं, 10 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है और पिछला जो दिसंबर का क्वार्टर वो बहुत ही बेहतरीन गया, 69 करोड़ का पैट है और दिसंबर 2020 में 28 करोड़ का पैट, इनफैक्ट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट था 69 करोड़ का और टीटीएम बेसिस पे देखें तो 192 करोड़ का पैट रहा है। सो 2000 करोड़ की कंपनी 192 करोड़ का पैट है और उसके सामने मैं देख रहा था बाकी सारी चीजें तो प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग अराउंड 67-68%, FIIs DIIs करीब 10% से ज्यादा और उससे भी ज्यादा DIIs की लिस्ट में एक बहुत ही बड़ा नाम है जिसका मैं बोलूंगा कि मिडास टच है, सुनील सिंघानिया जी मैनेज्ड एबाकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड, जिनकी शेयर होल्डिंग वो लोग कंटिन्यूअसली पिछले 7-8 क्वार्टर से बढ़ाते जा रहे हैं, 1.23 से लेकर 1.91 है तो उससे भी बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रहा है। और एक बात और कह दूं मैं इस स्टॉक के बारे में, ऊपर के लेवल्स बहुत बढ़े गए हैं 2018 के समय पे, उसके सामने इस बार ये 532 के लेवल्स दिखाया था और उसके सामने भी 434 है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए अगेन 530 के टारगेट के लिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड हैप्पी हिंदू नववर्ष। थैंक यू सो मच।